भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और यहां पर भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है और 3 विकेट गंवा भी चुकी है। स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं भारत और बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला मैच साल 2000 में 10 से 13 नवंबर के बीच ढाका में खेला गया था। उस वक्त भारतीय टीम की कप्तानी सौरव गांगुली के पास थी। ये एकमात्र टेस्ट मैच था जिसमें बांग्लादेश की कप्तानी नाइमूर रहमान के पास थी। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में भारत ने 429 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 91 रनों पर सिमट गई थी और जीत के लिए भारत को 64 रनों का आसान सा टारगेट मिला था। टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर इस टारगेट को हासिल कर लिया और 9 विकेट से जीत दर्ज की। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2000 में सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था। इस टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश की टीम की तरफ से अमीनुल इस्लाम ने 145 रन की शतकीय पारी खेली थी। उनके अलावा कोई भी बैट्समैन कुछ खास कमाल नहीं कर सका था। वहीं भारत की तरफ से पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए सुनील जोशी ने 5 विकेट चटकाए थे। जहीर खान और अजीत अगरकर को 2-2 सफलताएं मिली थी, जबकि सचिन तेंदुलकर ने भी 1 विकेट लिया था। इसके जवाब में भारत की टीम की तरफ से कप्तान सौरव गांगुली ने 84 रन की पारी खेली और सदा गोपन रमेश ने 58 रन बनाए। सुनील जोशी ने गेंद के बाद बल्ले से भी कमाल किया था और उन्होंने पहली पारी में 92 रन की पारी खेली थी। बांग्लादेश की तरफ से पहली पारी में नाइमूर रहमान ने 6 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में बांग्लादेश की तरफ से हबीबुल ने 30 रन बनाए थे, जो कि सबसे ज्यादा रहे। वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम की ओर से सुनील ने 3 विकेट और जवागर श्रीनाथ ने भी 3 विकेट लिए थे। अजीत अगरकर को 2 तो मुरली और जहीर को 1-1 सफलता मिली थी। लेकिन अगर आज के मुकाबले की बात करें जो भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है, उसमें भारतीय टीम की कंडीशन अभी तक तो कुछ खास नजर नहीं आ रही है। आपके हिसाब से सीरीज पर कौन कब्जा कर सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।